तो बहुत पुराना इंस्टॉल हुआ है। हाँ, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास कोई नहीं है। ईएनटी के रिलेटेड तो डॉक्टर पल्ला साहब जब रिटायर हुए ना, मगर को फोन भी किया था ईएनटी के रिलेटेड डॉक्टर है ही नहीं, आज तक भी कोई आ ही नहीं रहा। मट्टू साहब क्या हमारी बात हुई, वो ऑर्डर तो करे थे उस वक्त, पर उसमें से कुछ लोगों ने रिजाइन नहीं करा, कुछ लोगों ने रिजाइन करके रिजाइन कर दिए थे, नए डॉक्टर ने। देखो ना यार, आज 500 के करीब थे, कुछ करोड़ रुपए आया था इनके लिए, नया बनाना है, अपने स्पेस बनाना है। इन्होंने क्या किया कि वो इसी पुराने को ही थोड़ा सा पेंशन बेसिकली नीचे चले जाए आप, ये तो सेकंड फ्लोर में है, अब नीचे चले फ्यूचर में आपको एक ऐसा कोई होता है वो तो नेचुरली ऐसे डैमेज हो गया, पेशेंट भी मरेंगे, सब मरेंगे उसके। नहीं वो स्पेस तो खैर मैंने देखा, पेंशन हम करना भी चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस नहीं है। एक तो एम्बुलेंस है, क्रिटिकल एम्बुलेंस होंगी, ये वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस होंगी, क्रिटिकल क्या तो है अंदर है उस अस्पताल में, उसमें रात में भी नहीं छाई ना, उसमें सबको बुलाया है, पूछ का तो कोई जनरोष्टी का केस नहीं, मैंने सुना कोर्ट में किश्तवाड़ का था, वो सेटल हो गया। आपने उसको उनको रोस्टर बनाओ, अगर वो नहीं मानते हैं फिर भी तो डीसी को इन्वॉल्व करो, फिर भी नहीं मानते हैं तो मेरे को चिट्ठी लिखो, मैं वहाँ से फूड एंड ड्रग कंट्रोलर से बात करूँ। डिमांड थी जैसे ये सबसे पहले हमारी डिमांड थी कि आई स्पेशलिस्ट और उसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट और उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल जो है मेडिकल अफसर की कमी है, उसके बाद जो स्टाफ की कमी है और उसके बाद क्रिटिकल एम्बुलेंस होनी चाहिए बॉर्डर एरिया है तो, और उसके बाद रैबीज इंजेक्शन वगैरह जिनकी कमी थी वो जो हमने डिमांडे रखी उनके सामने, उनने कहा कि उनने हमें यकीन दहानी कराई कि हम इन डिमांडों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी जो भी डिमांड है वो पूरी करेंगे। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, जैसे सीटी स्कैन मशीन होगी, रेडियोलॉजिस्ट का हो गया, ईएनटी रिलेटेड डॉक्टर हो गया, स्किन स्पेशलिस्ट हो गया, जो पैरामेडिकल स्टाफ था वो हमारे यहाँ बहुत कमी थी। देखिए पिछले एक साल से हमारे पूंछ में एंटी रेबीज के लिए भी बहुत इंजेक्शन बहुत कम आ रहे थे, वो भी हमने मैडम से डिस्कस किया और मैडम ने हमें होप किया कि हम उस पर जल्द से जल्द जो एंटी रेबीज इंजेक्शन थे वो भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाए भी हैं और जो आगे जरूरत पड़ेगी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को वो भी करवाएंगे और एक हमारे जन औषधि एक नई स्कीम आई है इसमें मेडिसिन के रिलेटेड, मैडम ने वो भी कहा कि हम जल्द से जल्द उस डिस्पेंसरी को भी खोलेंगे, जो आम गरीब लोग मेडिसिन कहीं हैवी मेडिसिन रेट्स की नहीं खरीद सकते थे उस मेडिसिन को खरीद के अपना जो बीमारी है उससे निजात करवाएंगे। पुंछ क्योंकि बड़ा फार फ्रॉम लॉन्ग एरिया है, जम्मू का डिस्टेंस पुंछ से काफ़ी ज़्यादा है और हिली एरिया है, तो इन्होंने यही रिक्वेस्ट करी है कि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए और उससे हम एग्री करते हैं कि ये बड़ा दूर है और यहाँ पे इंजरीज बॉर्डर फायरिंग वो इश्यूज भी है, डिस्टेंस का इशू भी है, हिली एरिया भी है, स्नो बाउंड भी है, तो एक डिफिकल्ट टेरेन है, तो इस चीज़ को हम ख्याल में रखेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट के लिए हम पहले भी हम कमिटेड हैं कि हम इनको पूरी सपोर्ट करें, जो हमारे डॉक्टर्स और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ काम कर रहे हैं बड़े डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में करते हैं और हम पूरी इनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं और फ्यूचर में भी सपोर्ट करेंगे। इन्होंने मेन डिमांड करी है एक यहाँ पर ऑप्थोमोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो हम ऑप्थोमोलॉजिस्ट जल्दी कोई ट्राई करेंगे यहाँ भेजने की, और दूसरा इन्होंने बोला कि क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस नहीं है, पर क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस यहाँ पर है, फंक्शनल है, एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक एम्बुलेंस है क्रिटिकल केयर, मगर हमें रिक्वायरमेंट दी हुई है जब और एम्बुलेंसेज मिलेंगी तो हम प्रायोरिटी में पुंछ को पहले दे देंगे क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस। और वैसे भी अब क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का वो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, अब हमारी 102-108 सर्विस जो है ना वो स्टार्ट लॉन्च होने वाली है, एक दो महीने में शुरू हो जाएगी मोस्ट ऑफ, तो उसमें वो बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट वही होती है जिसमें वेंटिलेटर होता है, तो क्रिटिकल केयर ही होती है। अब क्रिटिकल केयर हम रख दें खाली और ट्रेन्ड पर्सन ना हो इंट्यूबेट करने के लिए, अब उसमें ट्रेनिंग्स दी जा रही है, उसमें हमारे ड्राइवर्स को कुछ को ट्रेन कर भी दिया गया है और हमारे पैरामेडिक्स जो है उनको ट्रेन किया गया है कि जो क्रिटिकल पेशेंट है उसको कैसे उस पर डालना, वेंटिलेटर पे डालना, तो वो ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं और वो 102-108 सर्विस जब स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की ये शिकायत दूर हो जाएगी, वो फोन पे ही आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी और उसमें यह है कि हिली एरियाज में आधे घंटे के अंदर आधे पौने घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी,
और प्लेन्स में उसका कम टाइम रखा गया, तो वो फोन वो एम्बुलेंस सर्विस जो है फोन पे स्टार्ट, कोई प्रेग्नेंट लेडी है घर पे है उसको पिकअप करना है तो फोन करेंगे, वो नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा, हेल्पलाइन उनका डेस्क जम्मू में बन गया, तैयार हो गया हुआ है, एम्बुलेंसेज जो है वो बन रही है वहां पर, कुछ बन गई हुई है तो वो जल्दी ही लॉन्च हो जाना है, उससे ये आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। और ऑप्थोमोलॉजिस्ट की प्रॉब्लम है, बाकी जन औषधि की आपने बात करी, जन औषधि हमने हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खोल दी है, एक दो जगह रह गया रियासी में, उनका रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने एडवर्टाइज करा हुआ फार्मेसिस्ट के लिए, और यहाँ ये मैडम ने बताया मुझे सुप्रिंटेंडेंट साहिबा ने कि कोई लिटिगेशन चल रही है, तो वो हम देखते हैं लिटिगेशन को भी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी जन औषधि खोलेंगे हॉस्पिटल के अंदर जो 24 आवर्स खुली रहे और लोगों को रात बरात दवाइयों के लिए इधर उधर भागना ना पड़े, कोई उनकी परेशानी हल हो जाए। बाकी बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हम इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और पूरी सपोर्ट पुंछ हॉस्पिटल को हम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, जितनी मेरी कैपेबिलिटी में होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, जो हम नहीं कर सकते हैं हम अपने हायर अप्स को अप्राइज करेंगे कि यहाँ ये प्रॉब्लम है।